नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। पिकनिक स्पॉट देखना है तो आइए बाग मंडला में, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। प्रखंड मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित प्राकृतिक छटा के बीच बाग मंडला पिकनिक स्पॉट सैलानियों का मन मोह लेता है। बाघमुंडा जलप्रपात पिकनिक स्थल दक्षिणी कोयल नदी में अवस्थित है और यहाँ 3 जलधाराओं में बहती है। यहाँ अनायास ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाघमुंडा के खूबसूरती के दीवाने सालों भर यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा जिला समेत काफी दूर दूर से लोग पिकनिक का आनंद लेने हेतु आते हैं। यहाँ पिकनिक स्पॉट कोलेबीरा खूंटी मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर जबकि प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। यहाँ अपनी या भाड़े की गाड़ी से जा सकते हैं। यहाँ रात्रि रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जिला मुख्यालय गुमला से लगभग 50 किलोमीटर, सिमडेगा से 60 किलोमीटर, रांची से 100 किलोमीटर एवं खूंटी से 60 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ बस कार द्वारा भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रुका जा सकता है। यहाँ जलप्रपात दक्षिणी कोयल नदी में बम्बीलारी नामक गांव के समीप है। यहाँ 7 धाराओं में बहते हुए 3 अलग अलग दिशाओं में बहती है और विशाल पत्थरों से टकराती है। इसी पत्थरों के बीच एक विशाल काय पहाड़ नुमा पत्थर है जो कि बाघ के सिर का आकार लिए हुए है, जिससे इस स्थल का नामकरण बाघमुंडा पड़ा। पिकनिक स्थल में फिसलन काफी है, साथ ही अचानक कहीं कहीं जल का स्तर अधिक पाया जाता है जिससे खतरा बना रहता है। बाघमुंडा में लोग स्वयं खाने पीने की वस्तु ले जा सकते हैं। इसके साथ ही खूंटी कोलेबीरा मुख्य सड़क पर 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाबा या होटल है जहां भोजन भी मिलता है। प्रखंड में इसके अलावे घन सिंह टोली डैम में भी लोग नववर्ष पर काफी संख्या में पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।